आज एमवे का टर्नओवर दोस्तों 2200 करोड़ क्रॉस कर गया है पिछले 22 सालों में 2200 करोड़। लेकिन जबरदस्त न्यूज ये है कि अगले 2 सालों के अंदर ये 5000 करोड़ क्रॉस करेगा और उससे अगले 2 सालों के अंदर ये हो सकता है 10000 करोड़ क्रॉस कर जाए। तो इतना महत्वाकांक्षी प्लान जो ग्रोथ 22 साल में नहीं हुई वो 4 साल में होने जा रही है, उससे कहीं गुना ज्यादा, 3-4 गुना ज्यादा। तो ये हमारे लिए बड़ी जबरदस्त न्यूज है, एक्साइटमेंट है इसको लेके। लेकिन हु विल डू दिस? एमवे का ये कहना है कि जेन वाई विल डू दिस, यानी कि जो नौजवान लोग हैं अंडर 35, उसको भी अगर और पर्टिकुलर जाए तो अंडर 30, दे विल मेक इट हैपन। और इसीलिए आज एमवे का एक फोकस है जेन वाई। तो निश्चित रूप से जो अगला ये पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आपको उस 10000 करोड़ में से ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसमें आप कहो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों और इसमें मेरा 500 करोड़ साल का टर्नओवर होता है एंड यू आर द लीडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन हैपन इन नेक्स्ट 5 ईयर एंड यू मे बी वन ऑफ देम। अगर आप इस चीज को सुनेंगे जो अगला टॉपिक है, और वो है एक बहुत ही जबरदस्त जेन वाई जो वाइब्रेंट है, एनर्जी है और रिक्रूटमेंट बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो ही विल शेयर हाउ विल ही ब्रिंग जेन वाई इन हिज नेटवर्क। तो मिस्टर शुभांकर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 10 मिनट के समय में हमें बताएंगे वो कैसे जेन वाई को रिक्रूट करते हैं। वेलकम शुभांकर जी। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू फॉर दिस हार्ड वर्क वर्मिंग वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। और थैंक यू टू आरपी सर जिन्होंने मुझे इतना इतनी बड़ी फील्ड पे बोलने को बोला ना। आप सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉक्स करते हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में आज मुझे मौका दिया, थैंक यू सो वेरी मच आरपी सर। सो बेसिकली क्या है, क्या करना है, व्हाट टू डू इन एमवे बिजनेस फॉर यूथ्स ना। अगर हम यूथ्स की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा ब्रैकेट है ना। अगर मैं देखूं, अगर हम कोई भी बिजनेस को देखें आज की डेट में, सब यूथ्स पे फोकस किए हुए हैं, सब कोई यूथ्स देख रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज रिचेस्ट इन यूथ्स। नो, यूथ्स में क्या खासियत होती है, मैं कभी डेफिनेशन पढ़ रहा था, उसमें था कि यूथ्स आर एंथुजियास्टिक, वाइब्रेंट, इनोवेटिव एंड डायनेमिक। ये 4 क्वालिटीज ऐसी हैं जो हमें एमवे बिजनेस में चाहिए होती है ना। हमें एक एंथुजियास्टिक आदमी चाहिए होता है, ठीक है, जो अपने बातों से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बातों से अपने पोस्चर से वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, उसका एंथुजियाज्म दिखना चाहिए। सेकेंड वाइब्रेंट ना, कितना ज्यादा उसके अंदर वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, वो कितना ज्यादा सीखने को तैयार है, कितना ज्यादा वो नई नई चीजों को लाता है। थर्ड इज इनोवेटिव ना, कितना इनोवेशन है उसके अंदर, किसी भी काम को कितनी आसानी तरीके से कैसे करना है उसे वो एक यूथ ही खोज सकता है ना, कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना होगा। फिर डायनेमिक ना, ही शुड बी वेरी मच डायनेमिक। और इन क्वालिटीज में थैंक्स टू गॉड कि हम इंडियंस और के पास एक बहुत बड़ा मास है जो कि यूथ्स को, यूथ्स का है, ठीक है। उनका एक बहुत, मैं अगर डेटा पे बात करूं तो लगभग 600 मिलियन यूथ्स इंडिया में है ना। अगर हम बाकी कंट्रीज से इसको कंपेयर करें तो चाइना में, जो कि एमवे इंडिया का लगभग दुनिया का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ की मार्केट है और बहुत ही बड़ा बिजनेस है जिसमें बहुत सारे यूथ्स ने बहुत कमाल कर रखा है, उनके सिर्फ 185 मिलियन लोग हैं ना। जहाँ पे यूथ्स 200-250 डायमंड्स हैं और एंड अबव पिन संभालते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता रहता हूँ, निक वोके हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जो बहुत ही कम एज में 30 ईयर्स की एज में डबल डायमंड है, एक है 29 ईयर्स की एज में ट्रिपल डायमंड है। सो एमवे के पर्सपेक्टिव से इंडिया के पास बहुत ही बड़ा एक मार्केट है जो कि यूथ्स का है। लेकिन और यूथ्स के बारे में मैं एक दो चीज और बताना चाहूंगा, इंडिया इंडियन मार्केट में लगभग 34% यूथ्स हैं जो कि बहुत तेजी से सक्सेसफुल होने के लिए मतलब उतावले हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के पास 2-3 चीजों की बहुत प्रॉब्लम है यूथ के लिए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं 18-20 साल तक लगातार चीजों को
रेगुलर बेसिस पे अपनी 20 साल तक की एज को लगाते हैं जिससे कि वो अपने आप को एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करा सकें। लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा यूथ जो हैं वो अपने आप को उस तरीके की चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं ना, अगर मैं जॉब की बात करूं। सो उनके पास जो चीज अवेलेबल होती है वो उसी में चीजों को मैनेज करते हैं ना। आप देखेंगे यूथ्स को कि किसी भी पैकेज पे काम कर रहे होते हैं, कुछ भी परेशानियां झेल रहे होते हैं और उनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं ना, लेकिन क्या है कि उस तरीके के ड्रीम्स को वो प्रॉपर तरीके से कैटर नहीं कर पाते हैं अपनी जॉब्स के थ्रू ना। उसके बाद फिर मैं बात करूं लॉकडाउन ने क्या सिचुएशन, लॉकडाउन ने क्या इफेक्ट डाला यूथ पे। लगभग 12.5 करोड़ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इस लॉकडाउन के उसमें, और उन 12.5 करोड़ में से लगभग 2.5 करोड़ यूथ थे ना, जो कि अपनी लिविंग चला रहे थे अपनी जॉब से ना। इतनी ज्यादा एडवर्स सिचुएशंस आ रही हैं इन लॉकडाउन के फेजेस में, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है इस पूरे सिचुएशन पे ना। अब कैसे काम करना है, यूथ्स को क्या सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यूथ्स फन लविंग होते हैं ना, यूथ्स फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, उनका जो टाइम आप देखेंगे वो फिटनेस पे देते हैं ना, वो अपने आप को रेगुलरली शीशे में चेक करते रहते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या उन्हें और अट्रैक्टिव बना रहा है, क्या उन्हें और ज्यादा वाइब्रेंट बना रहा है ना। पार्टी लविंग होते हैं, उन्हें पार्टी चेक करा लो, उनसे मस्ती करा लो, वो सब चीज करने को तैयार हैं, आप काम मत कराओ पार्टियां करा लो, खूब मस्ती करेंगे ना। तो क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि इनको इनोवेशन, मैं एक यूथ से बहुत, अगर यूथ मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को इनोवेटिव बनाएं और ज्यादा सीखने को बनाएं। क्यों, क्योंकि क्या है, यूथ्स के पास एक बहुत बड़ा एम्पल ऑफ टाइम जो है जो खाली रहता है ना, वो बहुत खाली रहते हैं, वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आजकल यूथ्स जो हैं वो गेमिंग में ना, वो अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं ना। सो उन्हें एक प्रॉपर पाथ दिखाना हमारा काम है ना, ठीक है। और हम लोगों के पास जो चीज हमारे एमवे हमें प्रोवाइड कर रही है वो पूरी जगह, मतलब मैं आपको बताऊं अगर एक प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में तो कभी पॉसिबल ही नहीं है वो इतनी चीजों को दिला पाना, ठीक है। सो अब क्या हम लोग कैसे काम कर सकते हैं अगर यूथ्स की बात करें ना, सबसे पहले यूथ्स का फोकस एमवे बिजनेस पे लाइए, ठीक है। किस तरीके से आएगा, उनका एक प्रॉपर हम लोग रेगुलर सीडी सुनते रहते हैं, तो हम लोगों ने उनकी सीडी सुनी है आपका कुमार की, कुमार ने द प्रोसेस सीडी निकाली है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें 6 स्टेप 8 स्टेप प्रोसेस पे उन्होंने बात किया है कि किस तरीके से किसी भी बंदे को क्वालिफाई कराया जाए एमवे बिजनेस के लिए। एमवे बिजनेस एक बहुत ही बड़ा, जो उसका असली वो है, असली जो पिक्चर है, वो चीज हम लोग कभी पुट ही नहीं कर सकते। और यूथ्स के मामले में अगर आपने पिक्चर छोटी पुट की ना, तो आप किसी भी हालत में यूथ्स को काम नहीं करा सकते। अगर चीज ये है ना, तो पिक्चर आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए ना। क्या करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्यों वो इतना इजीली हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होती है, वो चीजों को बहुत ही हाइप करके दिखाते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत हाइप करके दिखाते हैं। यूट्यूबर्स को आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा हाइप रहते हैं ना, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इतना अट्रैक्ट क्यों करती है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल बनाते हैं, वो कम्युनिटीज फॉर्म करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कम्युनिटीज फेमस है, अगर मैं बात करूं एक कम्युनिटी है आपकी, आप राइडिंग कम्युनिटी देखिए, बहुत सारे आपको राइडर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप कुकिंग कम्युनिटी देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खाना बनाने के शौकीन होंगे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ट्रेवलिंग के शौकीन होते हैं, ट्रेवलिंग ब्लॉगिंग करते हैं ना। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग, यूथ्स को क्या चाहिए, एक चार्मिंग लाइफ चाहिए, और वो सारी चीजें एमवे में है ना। अगर मैं 2-3-4 लोगों का बात करूं जो बहुत ही एक्टिवली इस चीज को कर रहे हैं, उनमें से मैं जो जिनको दुनिया वर्ल्ड लेवल पे फेम मिल रही है, दैट इज आपके गुरंश मान जी ना। गुरंश मान ने एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूथ्स को अट्रैक्ट करने का, यूथ्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा पैकेज और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने चूज किया, दैट इज इंस्टाग्राम।
हैंडल पे देखेंगे वो रेगुलरली फोटोज पोस्ट करते रहते हैं, चाहे वो जिमिंग हो, वो एक्सेस वे प्रोटीन हो गया। सो ये सारी चीजें क्या करती है, यूथ को अट्रैक्ट कर रही होती है। ये आपको अपने आप की अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाना होगा, ठीक है, कि आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी होगी, आपको अपनी फिटनेस अच्छी रखनी होगी अगर आप यूथ को अपने बिजनेस में चाहते हो तो। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो क्या चीज चाहिए यूथ को, ना दैट इज 6F। आरपी सर इस पे बहुत ही रेगुलरली बात करते रहते हैं, सर की ही टीचिंग्स हैं ये सारी। 6F क्या होते हैं, फिनेंस, ना उन्हें फिनेंशियली वो फ्रीडम चाहते हैं, वो फिनेंस। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप यूथ्स को कभी भी 3 जनरेशन की इनकम के बारे में मत बोलिए, ना 3 जनरेशन उन्हें इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। उन्हें 6 मंथली 12 मंथ, ना वो साल भर में क्या कर सकते हैं, 12 महीने में क्या कर सकते हैं, वो अगले 24 महीने में क्या कर सकते हैं, वो 36 महीने में क्या कर सकते हैं, दैट विल अट्रैक्ट देम। उन्हें आप ये, उन्हें आप न्यू CSIs कैसे कमा सकते हैं, इन सारी चीजों पे फोकस करिए। वो उनके लिए फिनेंस, उनके लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी उतनी बड़ी जरूरी नहीं है, उनके लिए फिनेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना ठीक है। उसके बाद फैमिली, वो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को साथ में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो फैमिली पे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद फिटनेस, आप अपने हमें बिजनेस यही सारी चीजें तो प्रोवाइड कर रहा है ना, फिटनेस, फिट कैसे रह सकते हैं, कैसे न्यूट्रलाइट के थ्रू आप फिट रह सकते हैं, आप कैसे एक्सेस वे प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। फन, ना आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हम लोगों की नॉर्मल फिजिकल मीटिंग्स होती थी, हम लोग खाते थे, पीते थे, मस्ती करते थे, बातचीत करते थे, फ्रेंड्स बनाते थे, वही काम करना है हमें, ना ये फन लविंग बिजनेस है, ये चीज को प्रेजेंट करना है, फेथ डेवलप करना है कि एमवे बिजनेस कितनी बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊं, मैं जब यूथ के साथ काम करता हूं ना, तो मेरा एक बहुत ही सेट पैटर्न है जिसमें मैं काम करता हूं, जो उन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता मैं उसके साथ काम करना नहीं पसंद करता, और पर मैं उन्हें इन्फॉर्म जरूर करता हूं कि यू हैव डिसअपॉइंटेड मी ऑन दिस पॉइंट ऑफ थिंग, नो। सो इससे क्या होता है कि आप बहुत सेलेक्टिव हो जाते हो। यूथ्स ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा जल्दी आपको, आप देखेंगे कि चीजों को नहीं वो कर पाते हैं। सो क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी मच सिलेक्टिव, ना वो आपको डिस्ट्रैक्टेड दिखेंगे, तो आपको उन्हें बताना है, उन्हें दिखाना है कि यू वांट समवन, क्योंकि आप एमवे बिजनेस वही कर सकता है जो कि अपना लाइफ चेंज करना चाहता हो, जो कि बहुत, जो चीजों को बहुत ही सीरियसली देख रहा हो, ना उनको फ्रेंड्स, यूथ को फ्रेंड बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स नए बनाना, किस तरीके से बनेंगे ये यूथ से अच्छा कोई नहीं जानता, ना वो किसी भी आदमी को दोस्त बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, ना तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है यूथ के लिए। उन्हें 4-5 चीजों पे काम करिए, उन्हें बिजनेस प्लान तभी दिखाइए जब वो आपके सिचुएशंस को सेट बैठे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं 4 स्टेप्स में यूज करता हूं, मैं सर से भी इस चीज को डिस्कस कर रहा था। मैं सबसे पहले यूथ के लिए मैं उनको बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ाता हूँ, ना क्योंकि क्या है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ये क्लियर कर देता है कि आपका ये बिजनेस का नेटवर्क मार्केटिंग का क्या पर्सपेक्टिव है और क्या होने वाला है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज कि आपको उन्हें फोकस करना है आपका उन्हें CD सुनाने में। आप उन्हें पहले ही उन लोगों की CD सुना दो जिन तरीके के लोगों को वो एडमायर करते हैं, ना फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ अंकुर अंतर गुप्ता को, ना राजा नरेंद्र को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, तो उनकी पहले CD सुनिए, 10-15 CD, तब आप प्लान दिखाइए। ना मैं आपको बताऊं, मेरा जो डेटा, मैं जिसपे काम करता हूँ, 80% लोग ऐसे होंगे जो इन दोनों प्रोसेस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और वो छट के अलग हो जाएंगे, आपका आधा काम ही, क्योंकि क्या होता है, यही चीज हमें करनी है। अगर हम उससे पहले प्लान दिखाएं, उसकी लिस्ट बनवाएं, उसका ड्रीम्स बाहर निकलवाएं और तब ये काम करवाएं और वो भाग जाए, तो हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ ना। तो आपको क्या करना है, पहले ये 2 स्टेप्स करने हैं, जिससे कि जो भी फालतू लोग हैं, जो भी आपके काम के लोग नहीं है, वो आपके पहले ही आपकी लिस्ट से अलग हो जाए। उसके बाद उन्हें प्लान दिखाइए, उन्हें बिजनेस के सेंसेस दीजिए, उनकी ड्रीम्स को बाहर निकालिए, ना तो उससे क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत, मैं बताऊं एक चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है यूथ को, वो है ड्रीम बुक। अपनी ड्रीम बुक हमेशा तैयार रखिए और
हमेशा उसको प्रेजेंटेबल मैनर में लोगों को दिखाइए ना, उन्हें दिखाइए कि मेरा क्या ड्रीम है, मैं क्या ड्रीम देखता हूँ, क्योंकि क्या है वो उन चीजों को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं, उनके उनको आप सक्सेस प्रोफाइल दिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस तरीके के लोग इस बिजनेस को करते हैं, उनके लिए कम्युनिटी बिल्ड करिए, किस तरीके से आप कम्युनिटी बिल्ड करना आपके लिए काम आएगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा कुछ बॉडी बिल्डिंग में लग जाइए, ऐसा कुछ करने लग जाइए, लेकिन आप कुछ एक ऐसी लाइन चूज करिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो, रिलेट करें। साइकिलिंग एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप आसानी से, आप चाहे जिस एज ग्रुप के हो, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप उसके लिए वीडियोस बना सकते हैं, आप एक्सेस एनर्जी ड्रिंक पे काम कर सकते हैं, वे प्रोटीन पे काम कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू ब्रिंग मोर एंड मोर यूथ्स इन योर बिजनेस। और बहुत ही अच्छे जब यूथ्स आते हैं तो बिजनेस में एक बहुत ही एंथुजियाज्म होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बिजनेस में एक बहुत ही डायनेमिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच विजय सर, थैंक यू सो वेरी मच आरपी सर मुझे मौका देने के लिए, और थैंक्स टू माय मदर डॉक्टर रश्मि सिंह जिन्होंने मुझे ये सारी टीचिंग्स दी, जिनकी वजह से मैं बहुत ही ओपनली इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर। ग्रेट, जबरदस्त है ना, यूथ में देखा आपने कितना इनोवेटिव चीजें हैं, और अगर हमें ये जो पोटेंशियल है, ये एनर्जी है जिसके बारे में बात की है, तो हमें भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने विचारों में, अपनी अप्रोच में, काम करने के तरीके में, तभी हम इस जेन वाई को एक दिशा दे सकते हैं और इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। थैंक यू शुभांकर जी। और अगला 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है आप और एमवे, ये बड़ा अच्छा गहरा कनेक्शन है, तो इसमें बात करेंगे जबरदस्त हमारे गोल्ड प्रोड्यूसर इलाहाबाद से मिस्टर धीरज भाई पटेल जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है धीरज भाई पटेल जी से, कृपया वीडियो ऑन करिएगा ताकि हम आपको देखें सर, और आपकी विजडम से हम लोग सीखें। धीरज भाई पटेल जी, अच्छा अच्छा आ गए सर, आ गए, वेलकम वेलकम, जबरदस्त, आपका स्वागत है सर, अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही सर अभी, नहीं अभी नहीं आई सर, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल जबरदस्त। अरे वाह, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम धीरज भाई पटेल है और मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। यहाँ पावन धरती है, संगम है, और तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा अमृत देती है, यमुना हमें गंभीरता सिखाती है, और सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो मैं आज ज्ञान की बात करूंगा, मैं कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्ञान की बात करूंगा। और मैं श्री विजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, कुछ बोलते रहेंगे, ठीक है विजय जी? श्योर, थैंक यू। अभी मैंने जबरदस्त लीडरशिप देखी, बहुत बढ़िया मैंने लीडर्स सुना, राजेश जी हैं, एके सिंह जी हैं, और अभी शुभांकर जी जो एकदम यूथ, जबरदस्त इनका प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया इनका हो रहा। मुझे टॉपिक मिला है कि एमबे बिजनेस में आप और एमबे के प्रोडक्ट्स। मैं कुछ कड़वी बातें करूंगा और आपको बुरा लगे तब भी मैं कड़वी बातें ही करूंगा, जिससे कि आपको कुछ चीजें मिले। और मैं शुरू करता हूं कि एमबे बिजनेस में एमबे प्रोडक्ट्स का क्या महत्व है। जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर प्रोडक्ट हटा दिए जाए एमबे बिजनेस से, तो कैसा बिजनेस लगेगा? एकदम ऐसे लगेगा जैसे खोखला है, कुछ है ही नहीं, एकदम स्कीम बन जाएगी, पिरामिड जैसे लगने लगेगा। विजय जी सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर, प्रोडक्ट इज द बैकबोन। जी, प्रोडक्ट इसका एकदम सही कह रहे हैं, बैकबोन है, इसकी आत्मा है। हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर किस काम करेगा? फिर तो हमारे घर वाले भी उठा के ले जाते, इसको ठिकाने लगा देते हैं। तो ये आत्मा के साथ आप जुड़िए
और मैं बड़ा दुखी होता हूँ, मैं जब देखता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को, मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत पछतावा होता है कि यार ये क्यों आ गए इस बिजनेस में, ये ऐसे लोग क्यों इसमें आके जुड़ गए हैं, जो एक बार गलती से अपने अपलाइन या अपने स्पॉन्सर के मोटिवेशन से या उनके उनके द्वारा एक्साइटेड करने से प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट लेते ही नहीं है। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक चीज रहती है कि एमबे में हम डायमंड जाएंगे साहब, कैसे जाएंगे बिना प्रोडक्ट के, आप कैसे डायमंड जा सकते, संभव है? नहीं संभव है। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एमबे में बहुत बड़ी पिन है पूरी एमबे की दुनिया में, वो जापान से हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से इस बिजनेस में आए और बहुत बड़ी पिन उन्होंने अचीव की। आज वो अगर जिंदा हैं, वो उनका खुद कहना है कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ एमबे के न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट की वजह से। अभी हम अपने इंडिया में देखें तो कई बार हम सब लोगों ने सुना होगा, सुमित बहादुर जी हैं, अपनी वाइफ के लिए बात करते हैं तान्या जी के लिए, कि वो कैंसर पेशेंट थी और सिर्फ न्यूट्रलाइट ने उनको एकदम दुरुस्त किया, सही किया। इस वजह से वो इतने सक्सेसफुल पर्सन जिनकी 6 figure की इनकम थी, उसको छोड़ करके इस व्यवसाय में वो लोग लग गए, जो टॉपर थे दिल्ली IIT के। इसमें ये आपको क्या नहीं देता, ये जो व्यवसाय है, ये जो प्रोडक्ट है इस व्यवसाय में, वो आपको क्या नहीं देता है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था जो हम सब लोगों ने पढ़ी भी है, कि आपको इसमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो लीव अ लेगेसी, अभी जैसे बात कर रहे थे शुभांकर जी की, आप 36 3 महीने की बात करिए, 26 महीने की बात करिए, 26 week की बात करिए इनकम की यूथ के लिए, लेकिन ये आपको 3 पीढ़ी तक का साधन उपलब्ध कराती है, अर्थपूर्ण जीवन बनाने का ये माध्यम है। इन प्रोडक्ट को जब तक हम यूज नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। मैं कई बार कई मीटिंग और कई सेमिनारों में देखता हूं, और एग्जांपल देते हैं बड़े बड़े लीडर्स, कि आप अगर अपना एक होटल खोलते हैं और उस होटल में आप ना खा के बाजू वाले ढाबे में या बाजू वाले होटल में जाके खाते हैं, तो क्या आपके यहाँ ग्राहक आएंगे? आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आपके उस होटल में ग्राहक आएंगे और आपका बिजनेस बनेगा? ऐसे ही एमबे व्यवसाय में भी है, आप पहले प्रोडक्ट को यूज करिए, तभी आपके अंदर से, आत्मा से, दिल से आवाज निकलेगी। मैं इलाहाबाद से हूं, और चूंकि यहाँ पे मैंने जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं और हमारे ग्रेट अपलाइन हैं और मेगा डायमंड सिद्धी आरपी सिंह सर जी एम चंद्रा मैम जी, जिनका मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे इस बिजनेस में रखा, मुझे काबिल समझा कि मैं इस व्यवसाय को बना सकूं। मैंने शुरुआत में, चूंकि मैं पहले कभी एमबे में प्रोडक्ट ट्रेनर के रूप में हुआ करता था, शुरुआत में मैंने जब देखा था श्री आरपी सिंह जी को, तो उस समय उनके घुंघराले बाल, सांवला चेहरा, मुझे ऐसे लगे जैसे कान्हा है, कृष्ण जी का जो सांवला चेहरा हुआ करता है। लेकिन एक बहुत बेहतरीन मैंने देखा कि उन्होंने इस इलाहाबाद में इतिहास रचा, इलाहाबाद के पहले डायमंड बने और इतने लोगों की उन्होंने लाइफ यहाँ पे चेंज की कि आज भी मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आ रहे हैं क्या, जब अभी लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले। तो हम एमबे के प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो एमबे के प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें, आपको ये क्या चीज नहीं दे सकता। एमबे बिजनेस में अगर एमबे के प्रोडक्ट हैं, तभी हम इस बिजनेस में हैं। एमबे प्रोडक्ट्स इतना बेहतरीन है, मैं अगर इसके 4 E की बात करूं, इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली, इफेक्टिव और लास्ट बट नॉट लीस्ट अर्निंग इससे मिलती है। हमारी वो कमाई होती है जो हमारे अर्थपूर्ण जीवन को बनाने में मदद करेगा। बाकी तो हम जी रहे हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम कर रहा है भी, जैसे हमारे श्री विजय जी हैं, आप बैंक में सीनियर पोस्ट पे थे,
ये इसमें अगर हम देखें तो हमारे दुर्गा प्रसाद जी जो कि पंचर साटते थे आज एक बढ़िया मुकाम पे हैं, एक एग्जांपल हैं। उनका भी इंडिया टुडे में जब इंटरव्यू छपा था तो देख करके जो है आंखें ऐसे लगा जैसे वाह, एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कैसे जी सकता है वो आप एमबे व्यवसाय में सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अभी नासा के कई साइंटिस्ट इस व्यवसाय में, नोबेल पुरस्कार जो नॉमिनी है वो इस व्यवसाय में, अरे जिनके खुद के तेल के कुएं हैं जॉन सस्टिना साहब को आप सुनिए, वो इस व्यवसाय में है और प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं एमबे में अगर आप हैं और एमबे ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट चुने हैं जो एफएमसीजी के हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें आपका सोप, इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा लगभग लगभग बहुत से व्यवसाय, बहुत से बिजनेस डाउन हो गए या खत्म हो गए या उनकी एकदम जो सेल है वो बहुत डाउन हो गए। मेरे कुछ मित्र हैं जो जानते हैं, जो देखते हैं कि जो मुझसे चर्चा करते हैं कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनकी मैं तारीफ करूं तो पूरी रात बीत जाए। इसकी ट्रेनिंग के लिए आप एमबे ने ऑलरेडी पूरे प्रोग्राम बनाए हुए हैं, हम वहाँ बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और एक एक बड़ी बात यह है कि ये आपका व्यवसाय है, हमारा व्यवसाय है, हम अगर इस व्यवसाय में आए हैं तो अपने लिए आए हैं और इसके प्रोडक्ट हम क्यों ना यूज करें। इसके जितने प्रोडक्ट हैं सब वर्तमान में तो हैं, आप 60 साल से पहले भी प्रोडक्ट हैं। LOC इनका जो पहला प्रोडक्ट था आज से 60 साल पहले, उसने इतना बड़ा टर्नओवर किया था कि पूरे US में हल्ला हो गया था कि यार ये क्या गजब की चीज आ गई। इसके फ्यूचर प्रोडक्ट हैं, क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है, पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और फिर हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करने से क्यों कतरा है। बहुत से लोग हैं जो अभी मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट एक बार तो ले लेते हैं लेकिन दोबारा नहीं लेते हैं, वो कैसे भी इस बिजनेस को बना सकते हैं। अगर हम कहीं ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं तो हमको सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी, हमको देखना तो पड़ेगा कि इस व्यवसाय में रूट क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम इस व्यवसाय को बना सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं चीजों को देख रहे हैं, अभी 9 core steps के बारे में बात किया था AK सिंह जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया उन्होंने पॉइंट्स बताए। वो अपनी खुद एक बीमारी का जिक्र कर रहे थे कि वो बेड पे थे, कैसे वो आज खड़े हो गए, कैसे वो चीजों को कर रहे हैं, क्यों इस चीज के लिए मोटिवेट हुए हैं, क्यों इस चीज को बना रहे हैं। आरबी सर जब यहाँ इलाहाबाद में थे, मैं उनको देखता था जब व्यवसाय बुलंदियों पे बढ़ रहा था, एकदम प्योर हार्ट से वो मदद करते हैं लोगों की। अभी एक मिशन के करके आरबी सर का जो मिशन है, एक मिशन है उनका कि हर उस व्यक्ति की मदद की जाए जो जीवन में अपने आगे बढ़ना चाहे, और यही एक अपॉर्चुनिटी है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर तरीके से व्यवसाय को बना सकते हैं। लेकिन ये एमबे बिजनेस में प्रोडक्ट की क्या अहमियत है, क्या वो है, अभी विजय जी ने भी बताया, रीट है इसकी और ये आत्मा है इसकी, तो हम क्यों ना इसको यूज करें। सबसे पहले तो हमको इसका यूजर बनना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके अच्छे प्रमोटर बन सकते हैं। अब हमारे जो इस व्यवसाय के फाउंडर हैं, उन्होंने 4 इसके पिलर्स बताए हैं, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड। आज होप खत्म हो रही है लोगों में, तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आज सुबह ही बारिश यहाँ हो रही थी, नीचे बैठा था, एक व्यवसायी है उनके साथ, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे किया जाए, कैसे व्यवसाय चलाया जाए। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आपको हमेशा उम्मीद मिलती है, हमेशा एक मेंटर मिलते हैं
जो आपको हमेशा गाइड करने के लिए तैयार हैं और बताने के लिए तैयार हैं। आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप अपनी चीजों को शेयर करिए, जूम के माध्यम से मीटिंग करिए लोगों से, उनसे बात करिए। मैं अभी वन ऑन वन करता हूँ तो जूम से करता हूँ, और मेरे साथ कुछ लोग अभी जो नए आए हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक्साइटेड हैं और कर भी रहे हैं, उनको एकदम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये एमबे में जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या नहीं दे सकता है। एक बुक, जब सिस्टम के भी बात हो रही थी, एक बुक है अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण। हम तो जिए तो जा रहे हैं, मैं टाटा साहब का सुन रहा था कि 2020 या ये जो 17 है ये सिर्फ जीवन बचाने का है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप अपना अर्थपूर्ण जीवन अगर बनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो यही एक प्लेटफॉर्म है। तो एमबे बिजनेस में आप और एमबे के प्रोडक्ट्स हमको यूज करना चाहिए, और अभी इसके पहले मैंने अभी एक सेशन किया था, उसमें कुछ मेरे ग्रुप के लीडर हैं, उन लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बताया था उन्होंने कि कैसे वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट रिटेल करते हैं। इसका जो मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फैब, इसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर आप किसी से जब बात करेंगे और बताएंगे उनसे, तो बात करते समय हमें उनको पहले सुनना चाहिए, उनसे चीज़ें पूछनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हम यूज़ करें, हम फील करें, तभी हम किसी के सामने उसको बता सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतना ही मैं बताऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू धीरज जी, जबरदस्त आपने जानकारी दी और बड़ा ही सिंपल शब्दों में बताया कि बिजनेस बड़ा कैसे किया जाए। तो आपको वंस अगेन धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम एंड पर हैं, और ये जबरदस्त जो लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे जो अपलाइन मेंटर डायमंड है राणा प्रताप सर और चंद्रा मैम, उनके दिशा निर्देशन में ये सब चल रहा है। लीडरशिप एम्पावर डेवलपमेंट सर्च, और सब लोग डेवलप हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन में और गाइडेंस में और मेंटरशिप में और कोचिंग में। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत सीखने को मिला। इवन मैंने भी सीखा कि हाँ, मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो इट वाज अ वंडरफुल लर्निंग। तो इस को हम एंड करते हैं, और जो अनाउंसमेंट है मुख्य, एक तो कल 5 बजे दीपक रावत जी डायमंड हैं, उनका प्रेजेंटेशन है, जबरदस्त रहेगा। और 6:30 बजे देहरादून ओपन मीटिंग है, तो उसको हम प्रमोट करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। और एक अलग से जो हमारी टीम की मीटिंग है दिन में 1 बजे से 2 बजे की, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं इस दौरान 2-4 महीने में, उनको कैसे उनको मौका मिलेगा सीखने का, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, तो जरूर उसमें अटेंड करें। और इसी के साथ हम लोग इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।